वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, हियर दिस इज डॉक्टर सोनल देवलिया. मैं आप सभी का दादा की इस पैक फ्लावर के लाइव वेबिनार सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. आज की जो हमारी रेमेडी है उसका नाम है हनी सकल. हनी सकल एक ऐसा इंसान जो प्रेजेंट में ना जी के पास्ट में जीता है और उसकी वजह से अपना प्रेजेंट कॉम्प्रोमाइज करता है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी. कभी कभी हम दूसरी मेडिसिन के साथ इसको मिस कर जाते हैं, पर जब ये रेमेडी इंडिकेट होती है और जब इट्स अ वेरी पावरफुल रेमेडी. सो आज के हमारे जो स्पीकर है डेफिनेटली दादू डॉक्टर प्रतिन कक्कड़, हमारे डॉक्टर रितु सिंह भी है, और आज के हमारे गेस्ट स्पीकर है डॉक्टर रिद्धि पांडे. शी इज अ कंसल्टेंट होम्योपैथ इन अलाहाबाद, बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. सो आज हमें उनका बैक फ्लावर रिव्यू ऑन हनी सकल डेफिनेटली देखने को मिलेगा. सो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दादा. दादा ओवर टू यू. भोली हुई याद मुझको इतना न सतावो, अब चैन से रहने दो मुझे याद न आओ। क्या बात है दादा, दादा नाइस हैट आज, इतने ऐसे टी शर्ट में हैट में, क्या बात है दादा, कहाँ जाने की तैयारी. नहीं, कहाँ कहाँ जाने, कहीं जाने की तैयारी नहीं है। आज उनकी बहुत याद आ रही है। वो ऐसा है दादा, तो आज हनी सकल ले ही लीजिएगा. क्या कैसी याद आ रही है, समझाइए तो सही, क्या याद में आ रहा है. नहीं, वो मेरी स्वीट मेमोरीज है, तो मैं ये किसी को बता नहीं सकता और समझा भी नहीं सकता। वो दर्द मेरा ही दर्द है, बट आज बहुत याद आ रही है। जब भी याद आती है, थोड़ी देर के लिए मजा तो जरूर आता है, लेकिन बाद में डिप्रेशन ही हो जाता है। ये है आज का हनी शकल। हनी शकल मतलब पास्ट की यादें। पास्ट की यादें मतलब मोस्टली मैं हनी शकल को बोलता हूँ ओल्ड एज डिप्रेशन। मोस्टली आप देखोगे ना, तो ओल्ड एज में ये होता है, जब इंसान रिटायर हो जाता है ना। मेरा जॉब, मेरा ऑफिस, मेरे टाइम में ये था, मेरे टाइम में वो था, मेरी ऑफिस में वो था। यादें, अब पास्ट की यादें अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, बट रिजल्ट में तो डिप्रेशन ही मिलेगा हमको। अच्छी है तो भी डिप्रेशन मिलेगा कि वो टाइम मेरा कितना अच्छा था, थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया। वो टाइम बुरा था और अभी अच्छा है, अरे वो टाइम कितना बुरा था। वो टाइम पे मैंने कुछ सोचा होगा, मैंने कुछ माना होगा, तो आज मेरी ये हालत हो नहीं होगी। यहाँ भी मिलेगा डिप्रेशन ही आपको। ओह वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, हियर दिस इज डॉक्टर सोनल देवलिया. मैं आप सभी का दादा की इस पैक फ्लावर के लाइव तो वेबिनार हनी सीरीज में आप शकल सभी का पास्ट बहुत की बहुत स्वागत यादें करती रिमूव हूँ. करने में आज की जो हमारी रेमेडी बहुत है हेल्प उसका नाम करती है है। हनी सकल. हनी हनी शकल को सकल एक ऐसा हमको इंसान जो हम प्रेजेंट वॉलनट में के ना जी जैसे के ही पास्ट में लिंक ब्रेकर जीता कह है और सकते उसकी हैं। वजह से अपना कैसा प्रेजेंट लिंक कॉम्प्रोमाइज ब्रेकर? करता है. सो इट्स अ पास्ट वेरी की इंपॉर्टेंट यादों रेमेडी. को कभी कभी लिंक हम ब्रेक दूसरी करता मेडिसिन के है। साथ इसको अब हनी मिस कर शकल जाते को हैं, पर जब ये रेमेडी मैं इंडिकेट बोलता होती हूं, है और बच्चों जब की रेमेडी इट्स अ भी, वेरी फर्स्ट पावरफुल डे इन रेमेडी. स्कूल, सो आज के फर्स्ट डे हमारे जो इन स्पीकर है ससुराल, डेफिनेटली दादू डॉक्टर जहां प्रतिम जहां भी कक्कड़, आपको हमारे पास्ट के डॉक्टर साथ रितु सिंह भी है, और लिंक आज के ब्रेक हमारे करना है, गेस्ट जो वहां स्पीकर है आपको डॉक्टर रिद्धि वॉलनट के पांडे. साथ हनी शी इज अ शकल देने कंसल्टेंट से होम्योपैथ इन अलाहाबाद, बहुत बहुत टाइम से अच्छा प्रैक्टिस रिजल्ट करते आ रहे हैं. मिलेगा। सो आज अब हमें मेरी उनका ही एक बैक बात फ्लावर करूं कि जब मैं रिव्यू ऑन हनी चौबीस सकल पच्चीस का डेफिनेटली था, देखने को मिलेगा. तो सो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते माँ हैं, बाप ने लेट्स लड़कियां देखने तो स्टार्ट ही कर ही दिया था, बट एक लड़की देख के, जब मैं सबके साथ अपने गांव रिटर्न हो रहा था ना, तो मन में एक ही गीत गुनगुना रहा था। मैं अकेला गया था, मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। ये भी हनी सकल हो गया। आगे हम देखें तो हनी सकल क्या है। हनी सकल है पास्ट। मोस्टली आप देखोगे कि जो ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, वो हर बात में पास्ट से तुलना किया करता करता है।
हमारे जमाने में ये था, हमारे जमाने में वो था। बट मैं आपको एक हकीकत बताऊं ना कि अभी जो ऑयल का डिब्बा, ग्राउंड नाइट ऑयल या कोई भी ऑयल का डिब्बा 15 किलो का आता है ना, हमारे जमाने में 16 किलो का आता था। तो अगर आपको मैं बोलूं कि मैंने 1 रुपीज पर केजी ग्राउंड नट ऑयल खाया है तो आप मानोगे क्या? ये है पास्ट की यादें। मैंने 25 पैसे में कोका कोला पिया है, ये है पास्ट की यादें। जब पास्ट की यादें सबके पास होती है, स्वीट मेमोरीज भी सबके पास होती है, सबको कोई ना कोई स्वीट कॉर्नर होता है, कभी ना कभी याद आ जाता है, अच्छी बात है। बट जब पास्ट अपने वर्तमान को डिस्टर्ब करने लगे कि वर्तमान में हमें कोई इंटरेस्ट ना हो, हम पास्ट में ही रहते हैं, अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये सॉल्यूशन निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पास्ट में ही साथ चला जाता है कि ये टाइम वो था, वो टाइम ये था, वो टाइम ये था, तो ये गलत बात है। यहाँ हमें हनी शक्ल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखें हम तो हनी शक्ल मतलब जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है कि जिसमें हमें बीता हुआ कल याद आता है, आता है ना सबको? देखो देखो आप सबकी लाइफ में देखो, एक लम्हा ऐसा आता है जब आप पास में चले जाते हैं, लेके बैठ जाना, ये नेगेटिव सिम्टम्स हो जाता है। यहाँ हमें हनी शक्ल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके, आगे रितु मैडम। मैम रिद्धि मैम को बुला, रिद्धि मैम को बुला दीजिए, है वो इधर। हेलो, मैं यस, हाँ जी, हाँ दादू ने जैसे बताया हनी शक्ल के बारे में कि पास्ट मेमोरीज में वो पर्सन या पेशेंट जो भी है वो ज्यादातर जीता रहता है, मतलब प्रेजेंट में नहीं होगा, हमेशा पास्ट की मेमोरीज के बारे में ही ज्यादातर कहेगा वो। ठीक है, आवाज आ रही है ना? आपके यहाँ से शायद आवाज है। वो प्रेजेंट को भी अच्छे से जी नहीं पाएगा और फ्यूचर को भी, इसी वजह से, क्योंकि बार बार उसकी पास्ट मेमोरी रिकॉल होती है ना। एग्जाम्पल में अपन ऐसे ले सकते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है, अब मान लीजिए उसकी शादी वगैरह हो गई है, बट वो पिछले अपने एक्स को सोच रहा है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई रिलेशनशिप में है, तो अब प्रेजेंट में वो दूसरी रिलेशनशिप में आ गया है, बट वो पास्ट में को ही पकड़े हुए है, इस वजह से वो अपनी प्रेजेंट की उसमें ध्यान नहीं दे रहा है ध्यान से। ठीक है, उस वजह से उसका प्रेजेंट भी बिगड़ रहा है। ठीक है, उसका उसकी क्योंकि है ना, वो ध्यान क्यों नहीं दे पाएगा, उसकी एनर्जी सारी उसमें लगेगी बार बार। ठीक है, इससे उसका फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय होने लगेगा। ठीक है ना, तो ऐसे जो पर्सन होते हैं वो अपने मतलब बार बार पिछली और पिछली, या तो हो सकता है पास्ट रिग्रेट भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कोई मतलब जरूरी नहीं है कि पास्ट उनका अच्छा ही हो, कुछ पास्ट बुरा भी हो सकता है और कुछ पास्ट अच्छा भी हो सकता है। अच्छा ही होगा तो बार बार वो अपनी खूबी करने लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और एक जगह आ सकते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कोई होम सिकनेस, जैसे अक्सर बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उनको कुछ ऐसी सिकनेस निकल जाना, अपन जब उनकी मेंटल हिस्ट्री लेंगे तो वहां पे अपन पता करेंगे कि वो बार बार जैसे टाइम मिलता है वो घर पे फोन करते हैं, घर पे बात करते हैं, नहीं करते हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं या उनको और भी कोई डिजीज होने के लगती है, मतलब कुछ भी जाकर। ठीक है, तो होम सिकनेस में भी अपन यहाँ पे इसको ले सकते हैं, हनी शक्ल को। ठीक है ना, और इसके साथ में मान लीजिए होम्योपैथिक रेमेडी है, जैसे अगर अपन कंपैरिजन करें तो और भी बेस्ट इफेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों हो जाएगा। तो जैसे होम्योपैथिक रेमेडी में कैप्सिकम होगी, हाँ कैप्सिकम होगी, यूपेटोरियम भी जा सकती है। ठीक है ना, तो ये सब अपन उसकी मेंटल हिस्ट्री लेंगे तो पता करेंगे। ठीक है, और मतलब यही है, पेशेंट बार बार अपनी प्रेजेंट को नहीं ध्यान जी करके बार बार पास्ट की बातें, पास्ट का वो करता रहेगा। ठीक है, और जब अपन रिलेशनशिप में आए तो अपन होम्योपैथिक उसमें भी एंटीम क्रूड के बारे में जा सकते हैं कि वो लव सिकनेस में आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और हाँ बस वो दुखी रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा,
तो अपने पास में पेशेंट हो, और जो ओल्ड एज, जैसा दादू ने बताया कि कुछ मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं या तो ओल्ड एज की तरफ आएंगे और या फिर ये होम सिकनेस की तरफ जाएंगे, जो टीन एज होते हैं या बच्चे होते हैं या हॉस्टल्स होते हैं, जिनको अपन मेंटल हिस्ट्री लेंगे तो जो पता चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा है, और मान लीजिए या फिर नए घर की तरफ चले गए हैं तो वो अपने पुराने घर के बारे उसके बारे में सोच रहा है, वो अपने नए एनवायरनमेंट को नहीं लाइवली जी रहा है, वो अपने पुराने को ही पकड़ा हुआ है, उसी को मतलब कि मैं उधर ही रहना चाहता हूँ या मैं जो भी है उसको प्रॉब्लम पेशेंट There is too much noise somewhere coming. Something is banging. किसके उसमें आ रही है? I can't hear. It's too loud. Yeah, thank you. वेलकम। यही है जो है, अगर पॉजिटिव में अगर अपन लेते हैं, अगर इसी चीज को वो पॉजिटिव में ले जाता अगर, तो आप उसके पास में ये एक्सपीरियंस है, या चाहे वो पास्ट रिग्रेट हो, चाहे वो कुछ भी हो पास्ट का, अगर तो उसके पास में अगर वो चीज विजडम आ जाती है, उसके पास में नॉलेज आ जाती, तो वो और जबकि उसमें हो सकता था, बेनिफिट हो सकता था उसको, मतलब एक्सपीरियंस हो जाता। और अगर ये नेगेटिव में चले गया है तो वो डिप्रेशन में चले गया है किसी चीज में, ठीक है ना। तो अपन को लिंक प्रे करना है, अगर कोई पेशेंट आता है वो बोलता है कि मुझे, मैं इधर नए घर में चले गया हूँ, मुझे उसके बाद से दिक्कत होने लगी है, चाहे वो स्किन इरप्शन हो या एनी जो भी हो, जो दिक्कत है उसको होने लगी है, डिप्रेशन में होने लगा हूँ, एंजाइटी मुझे होने लगी है, ठीक है, या मेरे साथ में मैं इस रिलेशनशिप में था वो मेरा ब्रेक हो गया है, उसके बाद से मुझे दिक्कतें शुरू होने लगी है, तो अपन इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो ये लिंक ब्रेक करता है पास से, तो अपन जैसा दादू ने बताया था वॉलनट भी अपन इसके पास साथ में देंगे तो और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो यही है मेनली हनीसकल, ठीक है, ड्वेलिंग होता है बहुत ज्यादा पास की तरफ। और कुछ पूछना? थैंक यू मैम। होमसिक को देखो ना अगर आप, तो होमसिक के लिए सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा चिकोरी। यहाँ आपको टिकोरी की भी सोचना है कि घर पे घर को ज्यादा ज्यादा लगाव है तो टिकोरी आए, बट कॉम्बिनेशन में देना चाहते हो तो हनीसकल, टिकोरी और वॉलनट, ये होमसिक नहीं होगा आपका पेशेंट, ठीक है। ओके मैडम, आगे। थैंक यू दादा। हाँ, तो बस यही है कि वो हमेशा हमेशा पास्ट में जीता रहेगा, ये बात। यस मैम, सोनल मैम। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर रिद्धि पांडे। मैडम, आपने ऑलमोस्ट पूरा क्लियर कर दिया है व्हाट एक्चुअली हनीसकल इज। देखिए, दादा ने जैसे बताया, डॉक्टर रिद्धि ने बताया, हनीसकल बहुत बड़ी मेडिसिन नहीं है। वी ऑल नो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें हर टाइम पता नहीं चलता कि दैट रेमेडी इज हनीसकल। पेशेंट इज एक्चुअली ड्वेलिंग अपॉन द पास्ट। पेशेंट, क्योंकि कुछ लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं भी कर पाते। जैसे दादा ने बताया, मैडम ने बताया कि हमारे पास दो तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, या तो खुशी वाले, जैसे ओल्ड एज वाले लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जमाने में ये था, हम इवन हमारे बचपन में, कि भाई हम बचपन में जो 1 रुपए वाली कैंडी खाते हैं, शायद अभी हम डेयरी मिल्क खाते हैं तो भी हमें इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो वो दोज आर गुड मेमोरीज, कि हमारे पास्ट लवर्स, हमारी कॉलेज लाइफ, हमारी स्कूल लाइफ इतनी अच्छी थी, सो इट्स द मेमरीज इज विथ अस, हमारे साथ वो मेमरीज है, दैट्स व्हाट वी फील बेटर। बुरे एक्सपीरियंसेस इन द सेंस, वो जॉब छूट गई, हमारा डिवोर्स हो गया, या हमारे लव्ड वन की डेथ हो गई बहुत साल के, है ना, तब उसकी लाइफ अच्छी नहीं जाती। तो व्हेन वेयर इट्स कम हनीसकल प्लस चिकोरी, मतलब पास्ट की इंसान से, पास्ट की जॉब से इतना लगाव है उस इंसान को कि वो छूट नहीं पा रहा है, तो नाउ हनीसकल प्लस चिकोरी कम्स। तीसरी चीज है, लोगों के लाइफ में रिग्रेट्स बहुत होते हैं। जैसे मैंने एमबीबीएस ना चूज करके शायद होम्योपैथी ले लिया, या डेंटल ले लिया, या तो फिर मेरा इंटरेस्ट था गिटारिस्ट, आई वांटेड टू बिकम अ गिटारिस्ट फॉर एग्जांपल, पर समहाउ ओवर द प्रेशर पेरेंट्स में मैंने कोई स्टडी चूज कर लिया। नाउ आई फील लाइक आई एम स्टक। अगर मैं गिटारिस्ट बन गई होती तो शायद आज ये कर लिया, वो कर लिया। तो पास्ट के रिग्रेट्स अगर आपको अभी जीने नहीं देते हैं, तो व्हेन इट्स कम हनीसकल प्लस पाइन, तो सो दीज आर द मेडिसिंस व्हिच वुड गो विद द हनी। जब आपको ऐसा लगे कि हमारी ये वॉलनट है, पाइन है, चिकोरी है, क्यों एक्ट अच्छे से क्यों नहीं करती,
अगर आपको पास्ट का रिग्रेट मिलता है, पास्ट का अटैचमेंट मिलता है, पास्ट का एडजस्टमेंट मिलता है, तो जब आप हनी सकल दोगे तब दैट वुड रेमेडी वर्क लाइक अ वंडर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. ओवर टू यू डॉक्टर. कल आज और कल जो हमारा बीता हुआ कल है वो हनी सकल है. आज को हम जी रहे हैं और जो हमारा दूसरा कल है वो भी कल है, वो क्लेमेटिस है. ये दोनों पेशेंट कल का और वो कल का, अपने वर्तमान के लाइफ में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता. समझ गए ना आप? कल आज और कल. और हनी सकल का जो लोग मेरे एज के हैं, शायद जिसने शोले देखी है उसको याद होगा, असरानी हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है. हाँ, वो अपने पास्ट में ही जीता था, अंग्रेजों के जमाने में, वो भी हनी सकल है. ओके, आगे. यस दादा, थैंक यू सो मच दादा. थैंक यू मैम. सो हनी सकल इज यू नो पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग पेशेंट्स हु आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट सिचुएशन एंड यू नो दे आर अननेसेसरीली यर्निंग फॉर द जॉयस दैट दे हैव एक्सपीरियंस इन द पास्ट. सो मच सो दैट दे डोंट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट अनलेस ऑफ कोर्स यू हेल्प इट, बट दे आर सो मच इन टू दैट की दोज वर द डेज, दे वर द गुड वंस. So in honeysuckle state, grief is the main emotion. So like we say ki theek hai na, pichle janam pichle time ki baat kar rahe hain jo samay beet gaya, whether good or bad, but grief is the main emotion in honeysuckle state, so much so that it is shaded with the sweet hurting of treasuring someone or something that a person has experienced and now it is lost, and they will always say ki those old good days. For example, everyone has shared that the children leaving the nest, so the old couple always says ki bacche the to ghar bhara pura rehta tha, you know, or they are on the verge of losing good health, or the partner is about to depart from it, or it can be any nostalgic thing, it can be vanished love, it can be loss of status, loss of beauty, which is especially a big trouble to menopause women. काफी काफी हद तक कि मेरे बाल इतने अच्छे थे, मेरी स्किन इतनी अच्छी थी, दे आर अनएबल टू एडजस्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्ट थिंकिंग अननेसेसरी थिंग्स. माय हस्बैंड इज नॉट लाइकिंग मी. होगा नहीं होगा, नहीं होगा सच, दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ थिंग, बट उनके मन में ही ये चीजें आने लग जाती हैं. सो दिस इज समथिंग लाइक अननेसेसरी यर्निंग ऑफ समथिंग ऑफ पास्ट. सो जनरली इन हनीसकल स्टेट यू मे फील दैट द वुमन इज और everyone, they are wistful, they are sorrow, they have a repentance ki agar aisa hota to, and it is like that ki the beautiful one example of positive honeysuckle state is are those writers which bring back, which revive the past for us, for the readers, in a very pleasurable manner. Hum purani je hum books padhte hain to wo hame purane usme le jate hain. So those writers, they are actually very in a very positive honeysuckle state because they revive past for our pleasure, for the reader's pleasure. So we can see that they are, and even in animals and plants we will find honeysuckle state, because when they are separated from some place or with from someone to which they are familiar with, right? Kyunki ek ghar se dusre ghar jana, so they are very agonized ki ye kya hai, main wahan ja raha hu. Especially the pet, mera malik mere sath hoga ya nahi hoga, my parents will be there with me or not there. So it happens with even this, or walnut jaise ma'am ne bola, with the plant. Especially I have changed many houses, so I have noticed not only walnut works on my plant, but this has to be honeysuckle also, because many a times I cannot carry all the plants, no one can carry all the plants, so honeysuckle comes along with walnut if you are changing the place even for the plants. So in short, it helps in enhancing mindfulness, in reviving the old wounds, unko hatane ke liye bhi, revive karke samjhane ke hisab se ki old wounds hain, so it's okay. And abandonment and victimization issues, they are the must for honeysuckle state. Honeysuckle essence dene ke baad, especially the abandonment and victimization issues,
जाने बहुत जरूरी होते हैं. तो वॉलनट के साथ इसको देना बहुत जरूरी होता है. एंड टुगेदर विद दिस टू आई ऑलवेज से कि सॉब SOB देना बहुत जरूरी होता है अबेंडमेंट इश्यूज में और विक्टिमाइजेशन इश्यूज में. सो इन दिस सेट विद वॉलनट विद सॉब हनी सकल इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इनफैक्ट वी हैव कवर्ड एज मैम सेट इट्स अ वेरी शॉर्ट रेमेडी बट इट्स अगेन अ ब्यूटिफुल रेमेडी. साथ में मुझे हमेशा वो ध्यान आता है भीड़े मास्टर तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे जमाने में. यू नो सो आई रिमेम्बर दादा ऑलवेज सेइंग कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सब जने इतने खुश क्यों हैं? कैन एनीवन टेल मी सारे जने इतने खुश क्यों रहते हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा में? क्योंकि किसी के घर पे भी मदर इन लॉ नहीं है, सास नहीं है. That's the main thing. Everybody is very happy in तारक मेहता का उल्टा चश्मा बिकॉज किसी के भी घर में सास नहीं है. मैडम आप भी सास बनने जा रही हो, ख्याल रहे. ठीक है दादा, ये मुझे मालूम था आने वाला है. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम, थैंक यू. एक लाइन फिर से बोलना चाहूंगा, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन. हनी सकल वक्त बीता उम्र बीती, वक्त बीता उम्र बीती, न ख्वाही से हो सकी पूरी, पूरे हुए हम हनी सकल. ओके मैम क्वेश्चंस लीजिएगा प्लीज. ओके एक ही क्वेश्चन. यस एक मिनट. विनीता प्रेम जी का क्वेश्चन था, समवन इज एडिक्टेड एंड कीप्स टॉकिंग अबाउट द पास्ट, विल हनी सकल एक मिनट बाय इटसेल्फ हेल्प और विल कॉम्बो लाइक हनी सकल वॉलनट विथ एग्री मनी वुड बी बेटर? अगर ये इंसान ये पेशेंट ये सोचता है ना कि काश वो टाइम में बुरी संगत में हनी सकल पास्ट की यादें रिमूव करने में बहुत हेल्प करती है. हनी सकल को हमको वॉलनट, हम वॉलनट के जैसे ही लिंक ब्रेकर कह सकते हैं. कैसा लिंक ब्रेकर? पास्ट की यादों को लिंक ब्रेक करता है. अब हनी सकल को मैं बोलता हूँ, बच्चों की रेमेडी भी, फर्स्ट डे इन स्कूल, फर्स्ट डे इन ससुराल, जहां जहां भी आपको पास्ट के साथ लिंक ब्रेक करना है वहां आपको वॉलनट के साथ हनी सकल देने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. अब मेरी ही एक बात करूं कि जब मैं 24-25 का था तो माँ बाप ने लड़कियां देखने तो स्टार्ट ही कर ही दिया था, बट एक लड़की देख के जब मैं सबके साथ अपने गांव रिटर्न हो रहा था ना, तो मन में एक ही गीत गुनगुना रहा था. मैं अकेला गया था, मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला. ये भी हनी सकल हो गया. आगे हम देखें तो हनी सकल क्या है? हनी सकल है पास्ट. मोस्टली आप देखोगे कि जो ओल्ड एज है, सीनियर सिटीजन है, वो हर बात में पास्ट से तुलना किया करता है. हमारे जमाने में ये था, हमारे जमाने में वो था. बट मैं आपको एक हकीकत बताऊं ना, कि अभी जो ऑयल का डिब्बा, ग्राउंड नाइट ऑयल या कोई भी ऑयल का डिब्बा 15 किलो का आता है ना, हमारे जमाने में 16 किलो का आता था. तो अगर आपको मैं बोलूं कि मैंने 1 रुपीज पर केजी ग्राउंड नट ऑयल खाया है तो आप मानोगे क्या? ये है पास्ट की यादी. मैंने 25 पैसे में कोका कोला पिया है, ये है पास्ट की यादें. जब पास्ट की यादें सबके पास होती है, स्वीट मेमोरीज भी सबके पास होती है, सबको कोई ना कोई स्वीट कॉर्नर होता है, कभी ना कभी याद आ जाता है, अच्छी बात है. बट जब पास्ट अपने वर्तमान को डिस्टर्ब करने लगे कि वर्तमान में हमें कोई इंटरेस्ट ना हो, हम पास्ट में ही रहते हैं, अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये सॉल्यूशन निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पास्ट में ही चला जाता है कि ये टाइम वो था, वो टाइम ये था, वो टाइम ये था, तो ये गलत बात है. यहाँ हमें हनी सकल की जरूरत पड़ती है. ठीक है,
आगे देखे हम तो हनी शकल मतलब जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है कि जिसमें हमें बीता हुआ कल याद आता है ना सबको। देखो आप सबकी लाइफ में देखो एक लम्हा ऐसा आता है जब आप पास में चले जाते हो, ये भी हनी शकल है। थोड़ा पास की यादें होना जरूरी भी है, बट हर बात को लेके पास्ट को लेके हनी शकल पास्ट की यादें, जब आज मेरा जो प्रॉब्लम है उस पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ और मैं ऐसा सोचा करता हूँ कि पहले तो मैं वैसा था, यहाँ हनी शकल वर्क करेगा, बट पहले मैं कर सकता था अभी नहीं कर सकता, तो ये वीकनेस है। ये ओलिव भी हो सकता है, हॉर्नबीम भी हो सकता है, या तो कॉन्फिडेंस लो है तो लाच भी हो सकता है। जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि बेच फ्लावर जितना इजी है ना उतना डीप है। आपको सोचना चाहिए, कोज देखना चाहिए कि क्यों ऐसा सोचता है, क्यों ऐसा करता है। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए सोनिया जी से। हेलो, आपकी आवाज किसकी? मेरी? नहीं, मेरी आवाज। हाँ, ड्यूरिंग एग्जाम मेरी डॉटर रिपीट्स मैथ्स, मेरे 2 इयर्स से कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, कंप्लीट प्रिपरेशन के बाद भी डर है। मीमुलस वाइट चेस्टनट इसमें नहीं आएगी हनी शकल। ओके मैम, इसको मीमुलस सोचो, वाइट चेस्टनट सोचो, जेंसन सोचो, शेरी प्लम सोचनी पड़ेगी। राइट, वाइट चेस्टनट प्लस क्लेमेटिस, क्योंकि ड्यूरिंग पढ़ने के टाइम बच्चे का माइंड अगर विवरिंग है तो क्लेमेटिस और एक साथ थॉट्स बहुत सारे रिपीटेड आ रहे हैं, तो व्हाइट चेस्टनट जैसे दादा ने बताया, माइंड थक जा रहा है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा है, तो ओलिव हॉर्नबीम। सो देर आर मेनी रीजन, बच्चे को पूछो कि उसको क्या मैथ्स में अच्छा नहीं लगता है, वो कहाँ पे अटक रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है कि क्या है। कई बार कैसा होता है मैथ्स में बच्चे ऐसे ही रहते हैं, दे डोंट हैव एनी because they have heard from so many other people or so many other peers ki it is a very difficult subject, so they don't have any reason also, bas wo sirf darte hain, so it is very simple ki bhai koi reason nahi aur aapko bata bhi nahi payenge bacche ki wo kyu darta hai, acche marks aa rahe hain but unko fir bhi dar lagta hai. yes Dr. Jairaj Mishra pooch rahe hain, dadu is walnut preventive only for diabetes or for other diseases also? सिर्फ डायबिटीज को वर्क करता है या अदर डिजीज पे भी वर्क करता है, दादा आपसे पूछा है। जहाँ हेरिडिटरी का आपको शक है ना कि हेरिडिटरी ये हो सकता है, यहाँ आपको कंजीव होने से पहले प्लेस से आपको वॉलनट स्टार्ट करनी चाहिए, और जितने भी क्रोनिक केस है उसमें तो आपको वॉलनट देनी ही देनी है, क्योंकि जो वो डिजीज की लिंक चली आ रही है उसको ब्रेक करना होगा, जिसके लिए वॉलनट बहुत जरूरी हो जाता है। मैम, आरती मैम कुछ पूछ रहे हैं। Can honeysuckle be given when a person sees his past in his dreams? Otherwise, in awakened state, that person doesn't think about it all. दादा, honeysuckle इंसान को सपने में past आता है, लेकिन जब उठा हुआ होता है तो उसको कुछ याद नहीं आता है, तो honeysuckle दे सकते हैं सब कुछ? क्यों देने की जरूरत है? सपने में क्यों देना है? वही तो कोई जरूरत नहीं, अनलेस वो तंग नहीं कर रहा है तो, अनलेस वो तंग नहीं कर रहा है तो दे भी सकते हैं, अगर तंग कर रहा है तो दीजिए, कोई नुकसान नहीं है। बट अगर आके नींद में आके सपना चला जाता है और आपको तंग नहीं कर रहा, आप बोल रहे हैं कि उठने के बाद अवेकन होने के बाद कुछ पता नहीं, देन फॉरगेट इट, सपना सपना है। जब हमने उठने के बाद कुछ पता नहीं तो आपको पता कैसे चला कि ये पास का सपना था? वो सोचते नहीं उसके बारे में, तो इसका मतलब अच्छी मेमोरी है या व्हाटएवर इट इज, नहीं सोच रहे तो छोड़ दीजिएगा। सपने तो हर किसी को आते हैं, कोई को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता, बिना सपने की नींद हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रियंका जी, इफ समवन सीज हिज ग्रैंड पेरेंट्स इन ड्रीम्स हु डाइड फ्यू इयर्स अगो, कैन वी थिंक हनी शकल? दिस व्हाट आई सेड अगेन कि अगर वो बार बार सपना आ रहा है और सपना तंग कर रहा है, प्रियजनों की डेथ देख लिया है, यू हैव सीन समवन ऑफ योर वेरी लव्ड वन डाइंग इन द स्लीप टाइम एंड अगेन,
टेक हनी सकल. अगर सप्ताह तंग नहीं कर रहा है उठने के बाद, देन देयर इज लाइक देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग हनी सकल. दैट्स इट. जहां बार बार, जहां बार बार आता है, बार बार का सपना आता है, व्हाइट चेस्टनट भी ऐड कर दो, रिपीटेड. यस. और पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की जैसे डेथ शॉकिंग है, दे कैन नॉट एक्सेप्ट इट, सडन हुआ है ज्यादा. यस, स्टार ऑफ बेथलेहम है, चिकोरी है, तो ऐसी सारी चीजें भी साथ में जाएगी. तो रीजन देखना है कि यस एग्जैक्टली ऐसी तंग करने वाली चीजें होती हैं, तो आप सौंप दीजिए, वॉलनट दीजिए और हनी सकल दीजिए, तो लिंक भी ब्रेक हो जाएगा आप पे. जो वो बोलते हैं ना, सदमा पहुंचा है हिंदी में, वो भी लाइक इट विल ट्राई टू रिकवर इट फ्रॉम सॉप. So these three combination is good. अगर आपको ऐसे सपना तंग कर रहा है या कोई भी चीज ऐसे तंग कर रही है. Actually, grandparents के केस में कैसा है कि we cannot say goodbye to him. मैं हॉस्टल में थी, मेरे grandparents की डेथ हो गई, मैं उनको ठीक से गुडबाई भी नहीं कह